खत्म हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। मैं जाऊंगी अभी दिल्ली और ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। हम लोग अभी सब घर चले जाएंगे। मेरा गला खराब हो गया चिल्ला चिल्ला के। बाय बाय रामनगर। We'll see you next year. ये भी बुक था सर ने फुल हो गया। रामनगर जिम कॉर्बेट निकल गए हैं रामनगर से दिल्ली की ओर। रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे हैं दिल्ली जाने के लिए। अब पता नहीं हमारा टिकट रिजर्वेशन किया नहीं है तो क्या सीट मिलता है देखेंगे। ये मेरा पीछे है पूरा रामनगर। जिम कॉर्बेट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट ईयर आएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट एसओएस ईयर एसओएस में। ये यहाँ का रामनगर का मार्केट है, छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से नैनीताल 66 किलोमीटर है रामनगर से। Thank you.
हम पहुंच चुके हैं रामनगर रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो आप। रामनगर लिखा हुआ है यहाँ पर और ट्विटर सर आगे निकल गए हैं। उत्तरी, ये मेरा ट्रॉली, मैंने एक चिप्स लिया है और हम जा रहे हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पर है AWPL फाइटर्स। कहाँ है उसमें तो नहीं, अंदर में। हाँ, कपड़े बदल लो। कहाँ है वो लोग, सपना मैडम लोग? ओम प्रकाश सर का टीम कहाँ है? ये है पूरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा। कोई तो बुलाया लगा हमको। और ये है यहाँ का टी स्टॉल। और यहाँ पर लगा हुआ है पूरा फ्रीडम फाइटर्स का फोटो, आप देख सकते हैं इसके अंदर में, इस टी स्टॉल के अंदर में। कॉर्बेट नेशनल्स आप देख सकते हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट आओ तो ये रेलवे स्टेशन के पास वाले से चाय ज़रूर पीना, बहुत अच्छी चाय बनाती है और समोसे भी बनाते हैं अच्छे अच्छे। तो आप यहाँ से आना खाना जिम कॉर्बेट आओ तो। तो आज हमारा आखिरी समय आ गया है रामनगर में यहाँ पर, फिर अभी पता नहीं कब आएगा समय, अगले साल ही शायद आएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नहीं एंड नहीं करना, दिल्ली का सफ़र चंडीगढ़ जब जाने तक का हम बनाएंगे, कैसे कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब गरम गरम है? हाँ, सारे गरम गरम है, बहुत टेस्टी है। मैंने अभी ब्रेड पकौड़ा खाया है, हाँ बहुत टेस्टी बना है ब्रेड पकौड़ा। तुमसे बाद में बात करेंगे। हमसे नहीं, मोबाइल से। ओ, हमको लगा हमसे बाद में बात करेंगे बोला आपने। कहाँ जाना है आंटी? हमको उधर जाना है, गाड़ी पकड़ कर। ब्रेड पकौड़ा जरा दे दियो। अरे चाट दीजिए, कट होगा, पांट हो, चार हो गया, पांट हो गया, एक ठो और दीजिए। कौन पन्नी में पीता है? छठ हो गया, सात आठ गिलास दे दीजिए। ब्रेड पकौड़े भी ले जाइए, बहुत टेस्टी है, समोसे भी टेस्टी हैं। सात आठ दे दीजिए। हाँ गई मैडम जी। गाइस, हमारी ट्रेन आने वाली है, वहाँ से निकल के अब यहाँ आएगी। इस पटरी पे आप अभी बोलेंगे कोई जरूरत नहीं। तो हमारी ट्रेन आने वाली है अभी यहाँ पर, वो निकल चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए दिल्ली की ओर। ये रामनगर का स्टेशन। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये स्लीपर क्लास है, मतलब जनरल क्लास, स्लीपर नहीं। तो सब यहाँ कैसे बैठे हुए, मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी है यहाँ पर इन लोगों को देख के।
मैं और ठीतर सर हूँ, दिल्ली जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो एकदम हालत खराब है। गाइस हम लोग कल रात निकल गए थे रामनगर से 10 बजे के करीब, तो सुबह पहुँचे 4-5 बजे, 5 बजे 5:30 ऐसे को पहुँचे। फिर मैंने इमरजेंसी में टिकट बुक कर लिया था, बिना भाई तो आज तो कोई टिकट मिला नहीं। उसके बाद में सब क्या बोलेगा, कोई दिखा रहा था तो मतलब कि कोई खाली नहीं था, वेटिंग लिस्ट में था, तो लास्ट में मुझे ये मिला। मैं अभी यहाँ पर पश्चिम एक्सप्रेस में, और आप देख सकते हैं मेरा एकदम सेकेंड एसी वाला रूम है। तो अभी मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ अपने घर, और हमारा ट्रिप हुआ ख़त्म, हमारा SOS ट्रेनिंग भी हुआ ख़त्म। अभी हम चंडीगढ़ जाएंगे और थोड़ा अच्छे से खाएंगे पिएंगे। देखो मैं सूख गई हूँ उधर जाके, पता नहीं लेकिन भी थोड़ा तो सूख गई हूँ, अच्छा लग रहा है लेकिन भी पतली हो रही हूँ दोबारा से। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक आप देखिए मैं 3-4 घंटे